यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच से पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर सकारात्मकता का संचार किया। इस महामारी की वजह से दुनिया भर में बढ़े संकट को लेकर पीएम मोदी ने दुनिया को राहत भरा आश्वासन दिया। अकेले खुद की मदद नहीं बल्कि दुनिया को साथ लेकर चलने के मकसद से पीएम मोदी ने वायरस वैक्सीन के उत्पादन में दुनिया के दूसरे देशों को मदद का भरोसा दिया। हालांकि इसको लेकर वो अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर भी आ गए, लेकिन WHO ने पीएम मोदी के इस आश्वासन के लिए उनकी तारीफ की है। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनम ने ट्वीट किया है, लिखा है, समर्थन के समर्पण के लिए आपका धन्यवाद पीएम मोदी। सिर्फ एक साथ अपने संसाधनों को लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल कर हम कोरोना की महामारी को खत्म कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर हम वैश्विक समुदाय को आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता का इस्तेमाल इस महामारी से लड़ने में सबकी मदद के लिए किया जाएगा। इस मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को बताया था कि सिर्फ कहने के लिए वो ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने तो इस मुश्किल वक्त में भी 150 से ज्यादा देशों को जरूरी मदद पहुंचाई है। इसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही बरतने के लिए और ऐसी महामारी से निपटने के लिए अब तो कोई एक्शन नहीं लेने के लिए UN को निशाने पर भी लिया। कहा कि पिछले 8 से 9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहाँ है? वहीं संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल कम्युनिकेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल मेलिसा फ्लेमिंग ने मोदी के आश्वासन को स्वागत योग्य करार दिया। पीएम मोदी ने तो इस महामारी के वक्त में पूरी दुनिया को साथ रहने के लिए कहा ही। उनसे पहले पिछले हफ्ते UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस ने जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए वैक्सीनेशनलिज्म को दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताया था। गुजारेस ने ऐसे देशों पर निशाना साधा जो सिर्फ अपने लोगों के लिए COVID-19 वैक्सीन के लिए डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते कोई भी सुरक्षित नहीं है। यही कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो तो इस रास्ते पर चल भी रहे हैं, तभी तो अब तक 150 से ज्यादा देशों तक अपनी मदद पहुँचा चुके हैं।